अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम्द हम्दी वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबी मिन बादी सय्यदीना व मौलाना व मावाना व मलजा وذخرنا وفخرنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا ومحبوبنا وقائدنا وقدوتنا وكريمنا ورحيمنا وشفيعنا يوم العرض على الله محمد المصطفى सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व अला आलिही व सहबिही व अज़वाजिही व उतरतिही अम्मा बाद फऔज़ु बिललाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अतसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफर्रुक واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين इस इंतहाई आलीशान जीशान जश्न तहफ्फुज़े ईमान शहे नशीन पे जलवा फरोज इंतहाई बाबकार उलमाए के मशाइखे अज़ाम शोराए ज़बील एहतराम हुफ्फाज़े किराम अइम्मा अज़ाम और दूरों नजदीक से आकर इस बुढ़िया रात में भी पूरी जवानी के साथ बैठी सुननी आवाज और दूर कहीं बैठकर मोहब्बत से कान लगा के सुनने वाली हमारी ख्वातीन इस्लाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अजीब बात है जब रात जवान थी तो मेहमानों को मौका नहीं मिला उसे बूढ़ा होने दिया गया और जितने भी इलाकाई और मकामी उनमें बच्चे भी बड़े भी नातखानों ने खूब महफिल को सजाया और आप ना चाहते हुए भी जोर जोर से उस वक्त सुभान अल्लाह कह रहे थे क्योंकि आंख भी खुली थी दिमाग भी खुला था। फिर जैसे ही रात पे बुढ़ापा आया हमारे मेहमान नातखानों को और शोरा को मौका बहुत ज्यादा बूढ़ी हुई तो फिर हजरत अल्लामा कारी रूहुल अमीन साहब न सिर्फ निभाया बल्कि बेहतरीन खिताब सुनाया। उसके बाद जब रात इंतहा दर्जे की बूढ़ी हो गई तो फिर एक शेरो सुखन का दौर चला और जब इतनी बूढ़ी हो गई कि रात के चेहरे पे झुर्री पड़ गई इतनी बदसूरत हो गई कि देखने लायक नहीं रही तब मुझे बैठाया गया है। अब मैं मानता हूं कि सफेदी यहां भी शुरू हो चुकी है लेकिन अभी इतना बुरा हाल नहीं हुआ है कि ऐसी बूढ़ी रात थमाई जाए। अब अगर थमा दिया है तो पिथौड़ा वालों हाथ उठा के दुआ कर दो कि अल्लाह करे इस बूढ़ी रात से मेरा निभा हो जाए ताकि रात ढलती रहे बात चलती रहे। Without any further delay, because we already got delayed from our scheduled time,
भारतीय रेल की तरह हमारा जलसा भी अपने निर्धारित समय से थोड़ा विलंब चल रहा है। अब चैलेंज ये है कि आपको बातों को पिकअप करना है और मुझे समय को मेकअप करना है। उन्वान बहुत अच्छा आप लोगों ने रखा था, पुजे ईमान, दिल में ख्याल आया था कि कुछ एकेडमिक बुद्धिजीवियों के लिए, इंटेलेक्चुअल्स के लिए, ताकि वो अपने ईमान की हिफाजत कैसे करें, मगर उसके लिए 10 या 11 बजे का समय बहुत ही अनुकूल होता है। ये तो बस सुनाने का नहीं, जलसे को चलाने का है। कितना चल चल, इसलिए मैंने मौजू को चेंज किया और एक दूसरे जाविये से ईमान के तहफ्फुज़ की बात, जो चच्चा चच्चा गौर से सुना तो बच्चा भी समझ जाएगा। आइए पहले तर्जमा समझते हैं जिस आय मुबारक को मैंने आज के लिए सरनामे बयान बनाया। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, और अल्लाह की रस्सी को सब मिलकर मजबूती से थामे पकड़े, सब मिलकर जमीया किसको, अल्लाह की रस्सी को। उलमा जानते हैं कि जब एहतिसाम का सिला आता है तो सिर्फ पकड़ना या थामना ही मकसूद नहीं होता, बल्कि बलागत यह है कि इस तरह से पकड़ो ऐसा मजबूत कि अगर कोई छुड़ाना चाहे तो कांधा उखड़ जाए लेकिन रस्सी इतनी सब मिलके पकड़े। वला तफरकु, और फिरका बंदी मत करो, गुटबंदी मत करो, लॉबिंग मत करो, ये तेरा ये मेरा ये सब मत करो, ग्रुपिंग मत करो, गुटबंदी नहीं। और वैसे भी इस्लाम में किसी किस्म की बंदी की कोई गुंजाइश नहीं, इस्लाम में न गुटबंदी है, न फिरका बंदी है, न चकबंदी है, न नसबंदी है, और देवबंदी तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, नक्शबंदी है, और वो इसलिए क्योंकि ये कीना निकाल के मदीना नक्श कर देता है। वाह वाह, ग्रुपिंग मत करो, अल्लाह की रस्सी को सब लोग मिलके क्या करो, मजबूती से थामे रहो, पकड़े रहो। वद्गुरु नियमत अल्लाही अलैकुम, और याद करो अल्लाह की उस नेमत को जो उसने तुम सब पर की है। नेमतों का आलम यह है कि अगर हम गिने कि क्या क्या नेमत हम पर अल्लाह ने बरसाई है, यकीन जानो बचपन से चलकर पचपन तक पहुंच जाओगे काउंटिंग पूरी नहीं बेशक, बल्कि मेरा दावा है कि पचपन से चलकर कब्रिस्तान के मदफन तक पहुंच जाओगे गिनती पूरी नहीं होगी। इफ यू स्टार्ट टू काउंट द बिग फेवर ऑफ अल्लाह यू कैन नेवर एवर काउंट, नस्लें गुजर जाएंगी, इतनी उसने दया हम पर की है। लेकिन यहां एक खास नेमत का जिक्र, याद करो उस नेमत को जो उसने तुम सब पर की है। तवज्जो चाहूंगा, किस नेमत, इज़ कुंतुम आदा, कि जब तुम सब एक दूसरे के दुश्मन थे, क्या थे, दुश्मन शत्रु थे, यू वर एनिमी ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के दुश्मन थे, फअल्लफ बैन कुलूबिकुम, तो अल्लाह ताला ने तुम सबके दिलों में उल्फत मोहब्बत और प्यार अता फरमाया। वाह सुभान अल्लाह, शत्रुता मित्रता में बदल गई। फिर रिजल्ट क्या निकला, परिणाम क्या निकला, فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا, तो वो दिन भी आया कि तुम सब एक दूसरे के भाई बंधु बन गए, और ये तब मुमकिन हुआ जब तुमने अल्लाह की रस्सी को थामा। यकीन जानो अगर हाथ में अल्लाह की रस्सी है, कोई भी दौर हो, कैसी भी जमात हो, न कोई आपको भटका सकता है, न बहका सकता है। अच्छा एक बात बताओ, अल्लाह की रस्सी को देखा है आपने, ईमानदारी से बता रहा जो भी दिमाग में आवे जवाब, देखा है किसी ने,
अगर आपने ये दावा किया कि मैंने देखा भी है और पकड़ा भी है, तो आपको वो कब्जा मानना पड़ेगा जिसमें रस्सी फिट, और वो कब्जा माना तो वो कांधा भी मानना पड़ेगा जिसमें हाथ फिट, कांधा माना तो सीना भी मानो जिसमें कांधा फिट, सीना माना तो पांव भी मानो जिसपे सीना टिका है। चले ले खुदा मानने सनम तैयार हो गए। क्या समझे आप कि जब हम अल्लाह को देख ही नहीं सकते तो फिर उसकी रस्सी को कैसे, और जब देखोगे नहीं तो पकड़ोगे क्या? पल्ले पड़ रहा है कि और हुक्म है अल्लाह की रस्सी को पकड़ने। तो आओ मुफस्सिरीन की बारगाह में हाजिर। सूफिया किराम फरमाते अल्लाह की रस्सी कोई और नहीं, हुवल कुरआनुल करीम, वो अल्लाह की किताब है जो ला यातीहिल बातिल मिन बैनि यदैही वला मिन खल्फिह। अल्लाह की किताब यानी कुरान है, जिसने कुरान को मजबूती से पकड़ लिया, थाम लिया, वो यहां भी कामयाब हो गया। सुभान अल्लाह। मैं इस चैप्टर को ये कुरान बात के लिए रखता हूं, एक कदम और आगे बढ़ता हूं। बाद में कहा हदीस, बातें चल रही थी, सहाबी रसूल हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा ने एक दिन डायरेक्ट हुजूर से बे अभी अंत व उम्मी, आप पर मेरे मां बाप कुर्बान, ए अल्लाह के रसूल बताइए अल्लाह की रस्सी है कौन है जिसे हम थाम लें तो कयामत तक हम भटक नहीं सकते, क्योंकि कुरान में तो है युदिल्लु बिही कथीरन व यहदी बिही कथीरन। इसी कुरान पाक जो समझ गया और समझ के वो डाइजेस्ट कर गया वो तो कामयाब हो गया, और जो नहीं समझ पाया वो वही कुरान पढ़ के भटक भी गया। तो चांस है, इसीलिए अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ने पूछा अल्लाह की रस्सी कौन। तो मुजफ्फरपुर के कुर्बो जवार के गयूर मुसलमान, अब मैं सीधे एक्सप्रेस वे पे आ रहा हूं क्योंकि किसी गली में जाने का मौका नहीं है, समय नहीं, जुमला जायाना हो, तैयार है ना? सरा शाने रिसालते मुस्तफा देखो कि चचा जान भाई ने पूछा अल्लाह की रस्सी कौन, तो हुजूर फरमाते हैं वल्लजी नफ्स मुहम्मद बियदी, कसम है मुझे उस रब की इज्जत जिसके कब्जे कुदरत में मोहम्मद की जान है। ऐ लोगों अल्लाह की रस्सी कोई और नहीं, इन्नी हब्लुल्लाह हब्लु ममदूद मिन अल-अर्ध इला अस-समा, अल्लाह की रस्सी मैं हूं जो जमीन से आसमान तक टकरा। हाय 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 नारे तकबीर नारे रिसालत तहफ्फुज़े ईमान कॉन्फ्रेंस, तहफ्फुज़े ईमान कॉन्फ्रेंस, शहजादा हुजूर गाज़िए मिल्लत हुजूर ताजुल उलमा, नारे तकबीर नारे रिसालत। आई एम द रोप ऑफ अल्लाह, मैं अल्लाह की रस्सी हूं, सरकार ने फरमाया जो जमीन से आसमान तक तनी हुई, मतलब साफ है गोया हुजूर फरमा रहे ऐ लोगों मैं रसूलुल्लाह भी हूं हब्लुल्लाह भी। वाह वाह, रसूलुल्लाह भी हूं हब्लुल्लाह भी। अब इसको इस बूढ़ी रात में अगर और स्पेसिफाई किया जाए, क्लियर किया जाए, तो मैं एक ऐसी मिसाल दे दूं कि आपकी नींद भी गायब हो जाए। ये बताइए, हम सब यहां आए हैं और हमारा एक ही उद्देश्य है इस दुनिया में आने का, और वो ये है कि हम अल्लाह को राजी कर। सिंपल सी बात, वी ऑल बोर्न इन दिस वर्ल्ड, व्हाई जस्ट प्लीज ऑफ प्लीज ऑलमाइटी अल्लाह, बस अल्लाह राजी हो जाए। वो राजी हो गया तो समझ जाओ फिर चाहे पूरी दुनिया नाराज रहे फर्क नहीं पड़ता। प्रॉब्लम ये है कि हम अल्लाह को राजी कैसे करें। वो अनंत है हमारा अंत है, वो असीमित है हम सीमित हैं, वो निराकार है हमारा, वो विश्वव्यापी है, वो बनाने वाला हम बनने वाले, वी डोंट हैव अ डायरेक्ट कनेक्शन,
So how could you please Almighty? एक मुरीद आया, उसने दिल में ये ख्याल किया दानिश कि पीर साहब आए हैं कि जमशा शरीफ से, तो चलो इनको इनकी ऐसी सेवा करें कि ये राजी हो जाए। हालांकि मैं इस काबिल बिल्कुल नहीं कि मुझे राजी किया जाए, लेकिन मेरा मुरीद था, अकीदतमंद था, तो उसने घर में खाना बनाया। चिकन भी है, मटन भी है, कोरमा भी है, शावरमा भी है, बास्तरमा भी है, इटालियन भी है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिलीशियस फूड, बिरयानी, अबूदर बिरयानी, घर नूरानी। देखा तो हो गई परेशानी, ऐसा नहीं कि खाना अच्छा नहीं था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिलीशियस, लाजवाब, अति स्वादिष्ट व्यंजन, बट आई कुडंट एंजॉय, मुझे मजा नहीं आया। क्यों? क्योंकि खाना मेरी पसंद के मुताबिक। मुझे क्या पसंद था? सच्ची बात बताओ, जो लोग कचौचा शरीफ आते जाते हैं उनको हम सबकी पसंद पता है। हम लोगों को सादी दाल पसंद है, सादा चावल पसंद है, सादी रोटी पसंद है, सादी सादी हरी हरी सब्जी पसंद है। खाना जितना सादा होता है दुआ उतनी ज्यादा। अब वो मुचर्रब मुरखन एकदम शुरवेदार खा तो लिया, लेकिन पेट भर के नहीं, क्योंकि खाना मेरी पसंद का नहीं था। क्या संदेश मिसाल से, इस उदाहरण से कुछ समझ में आया? बिला तशरीह, तवज्जो चाहूंगा, जिस मेहमान को राजी करने के लिए मेहमान की पसंद जानना जरूरी है, ऐसे ही रहमान को राजी करने के लिए रहमान रहमान की को राजी करता है तो रहमान की पसंद जानना जरूरी। मसला यहाँ के अटक रहा है कि हम अल्लाह की पसंद कैसे जाने। How could you recognize what does Allah Subhanahu wa Taala like? उसे पसंद क्या है? कैसे जाने? उसने हमें पांच इंद्रियां दी, हवा से खमसा, five sources of knowledge to recognize the things. मिसाल के तौर पे ये रंग नीला है कि पीला है कि गुलाबी है, देखा तो पता चला। ये महक खुशबूदार है कि बदबूदार है, सुगंध है कि दुर्गंध है, सूंघा तो पता चला। ये आवाज मर्द की है या औरत की, सुना तो पता चला। ये खाना, ये बिरयानी जो है लखनऊ की है कि मुरादाबाद की है कि हैदराबाद की है कि बिल्कुल बर्बाद की है, चखा तो पता चला। ऐसे ही ये माइक कड़ा है कि मुलायम, ठंडा है कि गरम, छुआ तो पता चला। सो दीज आर द फाइव सोर्सेस ऑफ नॉलेज, ये पंच इंद्रियां। हालांकि फलासफा अक्ल को भी मानते हैं, मगर वो नहीं बयान कर रहा हूं क्योंकि वो मदरसे में ढाई बजे दिन में लोग नहीं समझते, अब ढाई बजे रात में क्या समझेंगे। तो आइए जितना समझ सकते वही पंच इंद्रियां, ये हवा से खमसा जिसके जरिए हम किसी चीज को पहचानते हैं। मुझे बताओ क्या हम अल्लाह को देख सकते हैं? बोलिए, सुन सकते हो, चख सकते हो, सुन सकते हो, छू सकते हो? नहीं। तो जब हम कुछ कर ही नहीं सकते तो फिर उसकी पसंद कैसे? क्योंकि जब तक पसंद जानोगे नहीं तब तक उसे पहचानोगे नहीं, और जब तक पहचानोगे नहीं तब तक मानोगे नहीं। पसंद कैसे जाए? हमारा उससे डायरेक्ट कनेक्शन ही नहीं। यही मसला हमारे मेजबान के सामने आया, मुरीद के। खाना तो मेरी पसंद का बनाना चाहता था मगर मुझसे डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था, टेलीफोन नंबर तक नहीं था। क्या करें, किसके पास जाएं, किसकी पनाह में जाएं? तब तक जो है वो नकीब इजलास दानिश अनवर साहब के पास आया। कहा, आप लोगों ने तो हजरत के साथ बहुत दौरा किया होगा, जलसा किया होगा, कल पीर साहब की दावत है, बताइए क्या बना? इन्होंने थका थका कि हजरत को खुश करना है तो बहुत ज्यादा महंगी दावत करने की जरूरत नहीं, 200 रुपये हो जाएगा। क्या सादी रोटी बना दो, सादा चावल बना दो, सादी दाल बना दो, खाना सादा सादा बनाओ। उसने सादा सादा बनाया, मैंने सादा सादा खाया, मैं चक्कर में पड़ गया, बंदे को मेरी पसंद किसने बताया? मेरा तो इससे डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था,
तब तक आवाज आई हमारे नकीब साहब ने बताया, हमने कहा इन्होंने इसलिए बताया क्योंकि ये मुझसे करीब है, मुझसे करीब क्यों, क्योंकि जो करीब होता लग रहे समझ में आ जाए, जो करीब होता है वही हबीब, और जो जितना करीब वो उतना हबीब, बिला तश्बीह मेहमान की पसंद, उसने बताया जो मेहमान के करीब है रहमान की पसंद, उसने बताया जो रहमान है, है नारे तकबीर अल्लाह के रसूल ने फरमाया डायरेक्ट नहीं जान सकता, रस्सी को पकड़, रस्सी को पकड़, मेरे दामन को पकड़, मैं अल्लाह का हबीब हूँ, उससे बहुत करीब हूँ, मैं तुझे बताऊंगा। एक हुजूर ने फरमाया शराब मत पियो, अल्लाह को नहीं पसंद है, जिना मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है, झूठ मत बोलो, अल्लाह को नहीं पसंद है, धोखा मत दो, अल्लाह को नहीं पसंद है, गीबत मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है, किसी का माल ना हक मत खाओ, अल्लाह को नहीं पसंद है, किसी को गाली मत दो, अल्लाह को नहीं पसंद है। इबादत करना है तो अपनी पूजा, अपनी पूजा पद्धति के अनुसार, धर्म का अनुसरण मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है। अपनी मान्यताओं से पे आधारित चीजों को ना फॉलो करो, अल्लाह को नहीं पसंद है। लातो मुनातो उज़ाहुबल को सर से उठा के मत चलो, अल्लाह को नहीं पसंद है। अल्लाह को राजी करना है तो नमाज पढ़ो, अल्लाह को पसंद है। रोजा रखो, अल्लाह को पसंद है। हज करो, अल्लाह को पसंद है। ज़कात दो, अल्लाह को पसंद है। अरे करके तो देखो, जब तुम ऐसा करोगे तो इबादत खुदा की होगी। माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। तैयार है आप लोग? मतलब साफ, गोया नबी फरमा रहे हैं कि अगर खुदा तक पहुंचना है तो रस्सी को थामो, अल्लाह की रस्सी को पकड़े रहो, यही तुझे मुत्तहिद भी रखेगी, तेरे ईमान की हिफाजत भी करेगी, क्योंकि जो मेरे पास है वो सब कुछ खुदा का है, यहाँ जो खुदा का है वो मुस्तफा का है, न कुछ मेरा है न कुछ तेरा है, जो तेरा है वो मेरा है। तभी तो आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क़ो मोहब्बत को दरिया रहमत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत हक्कानियत की शान सुन्नियों की जान अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिदवान ने कुफ्र के ताबूत पर आखिरी ठोकते हुए जब अपना अकीदा बयान किया तो यूं अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह मैं तो मालिक ही कहूंगा। चलिए एक आसान सी मिसाल देख के, क्योंकि मैं देख रहा हूँ टीनेजर्स भी हैं 18, 16, 15, बिल्कुल साइंटिफिकली इस चीज को जरा सा समझिए। तैयार है? 3 बजने वाला माशाल्लाह, लेकिन चेहरा देख के आप लोगों का नहीं लग रहा, लग रहा 11 बज गया जी। अल्लाह आपके सुनने को कबूल फरमाए, आमीन। बताइए कई उंगली है? तीनों अपने हजम में, साइज में, अपनी सूरत जिस्मिया में, अपने हयूला में बराबर है। जो सबसे बड़ी है वो सबसे ऊपर है, जो उससे छोटी है वो सब बीच में है, और जो सबसे छोटी है वो सबसे नीचे। ठीक है? इन तीनों में खास बात ये है, तवज्जो से देखिएगा, ये तीनों एक दूसरे से यू कनेक्ट होती हैं, मिलती हैं और अलग हो जाती हैं, मिलती हैं अलग हो जाती हैं। इसमें ये जो बीच वाली है, द मोस्ट सिग्निफिकेंट फिंगर, ये बीच वाली, इसका कनेक्शन ड्यूअल,
ऊपर वाली से भी कनेक्ट होती है, नीचे वाली से भी कनेक्ट है। माशाल्लाह सिर्फ कमेटी ही वाले समझदार लग रहे हैं, आप लोग समझे नहीं, कैच किया? ये ऊपर वाली से भी कनेक्ट होती है, नीचे वाली से, दोनों से बारी बारी भी हो सकती है, और अगर चाहे तो दोनों से एक साथ भी हो सकती है। हाँ, ये जो नीचे वाली है, अगर ये चाहे कि मैं उछल कर कूद कर छलांग लगा कर ओवरटेक करके ऊपर वाली से कनेक्ट हो जाऊं, तो जब तक बीच वाली से नहीं मिलेगी ऊपर वाली से नहीं मिलेगी। बस समझ आ रही है? मतलब साफ, अल्लाह ऊपर नीचे से पास। ये तो हम लोग अपनी जबान में कहते हैं ऊपर वाला चाहेगा ऐसा ना कहा था। अइनमा तुवल्लू फसम्म वजहक, वो ऊपर नीचे दाएं बाएं हर चीज से पाक है, जहत से पाक, हुदूद से पाक, सीमाओं से पाक, वो तो अनलिमिटेड है, असीमित है, अनंत है, निराकार है, विश्वव्यापी है। तो मैं ऊपर नीचे की मिसाल सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, बिला तश्बीह। तवज्जो है, खुदाए बुजुर्गो बरतर, खुदाए बुजुर्गो बरतर, उंगली देखते रहिए, नीचे वालों की हिदायत के लिए, मार्गदर्शन के लिए एक बीच वाला भेजा। अल्लाह कह रही है भेजा आपके भेजे तक पहुंच जाए, तो मजा आ जाएगा। खुदाए बुजुर्गो बरतर, नीचे वालों के मार्गदर्शन के लिए एक बीच वाला भेजा, और उसे बीच में रखा, बीच में, ताकि सब समझ जाए कि मुस्तफा तुम रब और सब के बीच की कड़ी हो। बीच में इसीलिए हो क्योंकि आप ना रब की तरह हो ना सब की। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। आप ना रब की तरह हो और ना कैच करते रहो ना सब की तरह हो, गोया बीच में रखकर रब ताला ये फरमा रहा हो कि ए महबूब, मैंने तुझे बीच की कड़ी भी बनाया, रसूलुल्लाह भी बनाया, हबलुल्लाह भी बनाया, बीच में इसीलिए रखा ताकि तुम मुझसे लेते रहो, मेरे बंदों को देते रहो। कुरान मुझसे लो बंदों को दो, इस्लाम मुझसे लो बंदों को दो, ज़ाते अखलाक मुझसे लो बंदों को दो, जीवन का संविधान मुझसे लो बंदों को दो, तरसे हयात मुझसे लो बंदों को दो, कुरान का निजाम मुझसे लो बंदों को दो, जाहो जलाल मुझसे लो बंदों को दो, फजलो कमाल मुझसे लो बंदों को दो, हुस्नो जमाल मुझसे लो बंदों को दो, जूजो नवाल मुझसे लो बंदों को दो। इसीलिए तो बीच में रखा ताकि नेमतें मुझसे लो बंदों को दो, बरकतें मुझसे लो बंदों को दो, रिफातें मुझसे लो बंदों को दो, शफ़ातें मुझसे लो बंदों को दो। मुस्तफा, हमने फरमा रहा, हमने आपको बीच में इसीलिए रखा ताकि आपको जो चाहिए वो मुझसे लेते रहो, और ऐ मेरे बंदो तुम्हें जो चाहिए वो मुझसे लेते रहो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, तहफ्फुज़े ईमान कौन फरम सर ज़मीने में थोड़ा, नारे तकबीर, नारे मुझसे लेते, और ए मेरे बंदो तुम्हें जो चाहिए वो मेरे महबूब से लेते रहो, क्योंकि मैं अनंत हूँ, असीमित हूँ, निराकार हूँ, विश्वव्यापी हूँ, बनाने वाला हूँ। महबूब से मांगो, क्योंकि जो महबूब देंगे वो मेरी ही चीजें देंगे। माता को रसूल फखो वो माना नबी जो दे दे उसे ले लो, जिससे मना कर दे उससे पास आ जाओ। तभी तो हमारे इमाम ने मचा अकीदे को यूं बयान किया कि वही रब है जिसने तुझको हम तक करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक रुख ये भी है और एक रुख और है बड़ा प्यारा, शोहदाए तकरीबन जब एक साल हो गए थे मुकम्मल एक साल, तो हुजूर अपने चचा जान सैयदुश्शोहदा अमीर हमदा रज़ियल्लाहु ताला
की कब्र की जियारत के लिए शहदाए ओहद के कब्रिस्तान में। ये कब्रिस्तान जाना बिदत नहीं, सुन्नत बेशक। और ये वो सुन्नत है जो वो सऊदी मुतव्वे भी मना नहीं कर पाते। क्या कर रहे हैं? हदीस, अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, हदीस कैसे छोड़े? खैर, तफसील में जाने का मौका नहीं है। उस मौके पे हुजूर ने खुतबा दिया था उहद के कब्रिस्तान में, और एक बात कही थी, और वो जुमला जो है वो हिस्सा बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी, यानी मुत्तफक अलैह। सरकार ने अपने चाहने वालों से, सहाबा से कहा, आज मैं अपनी हकीकत के रुख से एक पर्दा उठाने वाला हूं। एक पर्दा, सारे पर्दे उड़ जाए तब तो जिब्रील भी नहीं झेल पाएंगे। एक पर्दा तो हजरत सिद्दीक अकबर व फारूक आजम हो रही अल्लाह तआला अन्हु अजमईन, ये सब झूम गए कि आज क्या होने वाला है। सरकार ने अपना दाहिना हाथ, इन्हु रफा यदहु अल्युम्न ثم قال والذي نفس محمد بيده, हुजूर ने हाथ उठाया और कहा, अल्लाह की इज्जत की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान। फरमाते हैं सरकार, अल्लाह ने मुझे तमाम जमीनों के तमाम खजानों की तमाम चाबियां दी। सुभान अल्लाह। आप लोग चाबी कहते हो कि कुंजी कहते हो? ठीक है, चाबी। ये जो मैं तमाम 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 तर्जमा कर रहा हूँ, ये अपनी तरफ से नहीं कर रहा। उलमा जानते हैं कि जब जमा जमा की तरफ मुजाफ, तो उसमें तमामियत का माना पड़ता है। और यहाँ जो जमा है वो सिर्फ जमा नहीं बल्कि जमा मुंतहल फाइनल जमा, और जिसकी तरफ मुजाफ है वो भी जमा। यानी रूए जमीन में कोई ऐसी चीज नहीं जिसकी चाबी दस्ते मुस्तफा में। समझ में आया? जैसे कोई पानी पिए और पानी पीने के बाद गिलास पलटे और दो तीन बूंद उसमें से टपक जाए, तो आदमी कहेगा पानी तो हजरत आपने पिया मगर तमाम नहीं पिया, क्योंकि दो तीन बूंद टपक, तमाम नहीं। लेकिन अगर कोई ऐसा पिए कि जबान से गिलास का अंदर का जो है, जिसमें हावी और जिसमें महवी दोनों चाट जाए, बिल्कुल जबान से एक बूंद में, तो कहेंगे हाँ आपने तो ऐसा पानी पिया कि एक बूंद में टपका, तमाम पी लिया, वही तमाम वाला माना। सरकार फरमा रहे हैं, अल्लाह ने मुझे तमाम जमीन, तमाम खजानों, तमाम चाबियां दे दी। मतलब जाहो जलाल की चाबी दस्ते मुस्तफा में, बदलो कमाल की चाबी दस्ते मुस्तफा में, हुस्नो जमाल की चाबी दस्ते मुस्तफा में, जूदो नवाल की चाबी दस्ते मुस्तफा में, सियादतो करामतो शराफतो नजाबतो हिदायतो रिसालतो नबुवत की चाबी दस्ते मुस्तफा में, तमाम नेमतों की चाबी दस्ते मुस्तफा में। गोया चाबी रख कर, देखो सूफियों की बात सुन, सूफिया किराम के नतीजे निकाल रहे हैं सदी से। परमात्मा गोया चाबी महबूब के हाथ पर रख कर, गोया नबी फरमा रहा कि ऐ मेरे प्यारे, ये सारी चाबियां हमने आप ही के लिए तो बनाई, बस बस अमानतन मैंने अपने पास रखा था, जिसको जैसी जरूरत होती थी आपका सदका उतार के दे देता था। आदम को जरूरत पड़ी निकाल के सफवत की चाबी दे दी, नूह को जरूरत पड़ी तो शुक्र की चाबी दे दी, इब्राहिम को जरूरत पड़ी तो निकाल के खुल्लत की चाबी दे दी, इस्माइल को जरूरत पड़ी तो ईसा की चाबी दे दी, दाऊद को जरूरत पड़ी तो कुव्वत की चाबी दे दी, सुलेमान को जरूरत पड़ी तो बादशाह की चाबी दे दी, यूनुस को जरूरत पड़ी तो अदलो मीजान की चाबी दे दी, शुआब को जरूरत पड़ी तो किस्तास की चाबी दे दी, अय्यूब को जरूरत पड़ी तो सब्रो इस्तिक्लाल की चाबी दे दी, मूसा को जरूरत पड़ी तो वकल्लम अल्लाह मूसा तकलीमा की चाबी दे दी, जब ईसा को जरूरत पड़ी तो अब तो मानव रूप धारण कर
चुका है, इसलिए ये अमानत है, मैं आपको लौटा रहा हूँ। अब इधर मैं तू इधर आते नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ्फुज़े ईमान कॉन्फ्रेंस सर ज़मीने में थोड़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सारी नेमतों की चाबी तवज्जो दस्ते महबूब में रख रख, इन्नमा अना कासिम वल्लाहु योती का जुब्बा और दस्तार ओढ़कर मुस्तफा बांट रहे हैं सदाकत सिद्दीक पर मेरे माँ बाप कुर्बान। जब नबी की नजर उन पे पड़ी तो निकाल के सदाकत की चाबी दे दी, उमर को देखा तो अदालत की चाबी दे दी, उस्मान को देखा तो सखावत की चाबी दे दी, अली को देखा तो करामत की चाबी दे दी। मेरे नबी अपने एक बेटे हसन को जब कांधे पे बिठाया तो इमामत की चाबी दे दी, और दूसरे बेटे हुसैन के गले को चूमा तो शहादत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीदे आजम, शहीदे आजम, फैजाने करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आइडियोलॉजी को जहन में रखना, नबी की नजर ज़ैनुल आबिदीन पे पड़ी तो इबादत की चाबी दी, मोहम्मद बाकर पे पड़ी तो इल्म की चाबी दे दी, जाफर सादिक पे पड़ी तो तफक्कुह फिद्दीन की चाबी दे दी, मूसा काज़िम पे पड़ी तो वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीन अनिन नास की चाबी दे दी, इमाम अली इब्ने मूसा रज़ा पे पड़ी तो सब्र व रज़ा की चाबी दे दी, इमाम जव्वाद पे पड़ी तो जूद व सखा की चाबी दे दी, इमाम हादी पे पड़ी तो करम व अता की चाबी दे दी, हसन अल अस्करी पे पड़ी तो गजा और शजा दे दी। तवज्जो चाहूंगा, जब मेरे नबी की नजर अब हम बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे किंदीले नूरानी महबूबे सुभानी खुदवे समदानी शाहबाज़े लामकानी जद्दुन अबू मोहम्मद मोहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी पे पड़ी कि मेरा विजदान कहता है, मेरी अंदर आत्मा कहती है कि सारी चाबियां दस्ते अब्दुल कादिर पर रख कर यही फरमाया होगा, बेटा मदीने से मैं बांटू बगदाद से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, करामाते गौसे आजम, बारगाहे गौसे आजम, औलादे गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्लियर हुआ, हबलुल्लाह हुआ मोहम्मद रसूल, अल्लाह की रस्सी अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि इस आयत का जरा सा एक पसे मंजर भी बयान कर दूं, और अगर इसी तरह सुनेंगे तो फिर मैं भी जल्दी हटने वाला, मेरी कोई ट्रेन नहीं है पानी, कल इंशाल्लाह सीतामढ़ी और उसके बाद फिर अपनी गढ़ी चल की तरफ लौट जाऊंगा। तैयार है ना? बिल्कुल हौसले के साथ देखिए। अल्लाह ताला हम सबको सलामत रखे, आमीन। ये मनोवैज्ञानिक रूप से ऐसा होता है, तवज्जो चाहूंगा, तस्वीर का ये रुख देखिए इस आयत के सबबे नुज़ूल खाने में। ईमानदारी से बताइए, आपके पिथौड़ा में अगर मैं थोड़ा तो राजस्थान में, मैं थोड़ा है, ज्यादा नहीं, मैं लेकिन आज तो आप ज्यादा लग रहे हैं। आइए बस इसी तरह मुस्कुराते रहिए, अच्छे दिन बहुत जल्दी आने हैं इंशाल्लाह। तैयार हैं? ये अगर आपके मैं कोई पुडुचेरी से आ जाए, लक्षद्वीप अंडमान निकोबार से, और आकर के एक साल में यहाँ अपना व्यवसाय ऐसा बनाए कि एक ही साल में करोड़पति हो जाए, क्या हो जाए? तो आपके मन में थोड़ा आएगा यार, हम यहीं पैदा हुए, यहीं जवान हुए, यहीं शादी किया, मैं सिर्फ पति हूँ और ये करोड़पति। अरे मुस्कुरा दीजिए, इसमें कोई जीएसटी नहीं,
मैं सिर्फ पति का पति रह गया, ये बाहर से आया बीवी ने ये बिकेम मिलिया ना, हाउ इट कुड बी पॉसिबल, ये कैसे, ये आपके मन में क्यों आया ये ख्याल? ये इसलिए आया कि जो करोड़पति बना था वो परदेसी है। कौन है दोस्तों? परदेसी। आपके मुजफ्फरपुर जिले का आसपास का अगर कोई करोड़पति नहीं खरबपति हो जाएगा, आपके सर पे जू भी नहीं रहेगी। अपना ये जो इलाकाइयत होती है ना, इसको कहते हैं रेसिज्म, ज्योग्राफिकल रेसिज्म। इस टाइप की चीजें इंसान को जो है वो बड़ा रेसिस्ट बना देती है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं मुजफ्फरपुर मेरे आका के मदीने में महाजरीन ने मक्का छोड़ा तो अंसार ने अपने घरों के दरवाजे उनके लिए खोले। मोहब्बत की ऐसी ऐसा एटमॉस्फेयर कभी इस नील गगन ने भी नहीं देखा था। तो उस लोगों के पेट में सिर्फ इसलिए दर्द होती है कि इतना लोग एक क्यों, इन्हें लड़ाओ, ये जब लड़ेंगे तभी तो हम खाएंगे। डिवाइड एंड रूल, फूट डालो, फिरका बंदी करो, इनको आपस में टकराओ। और ये प्लानिंग कौन कर रहे थे? ये कुछ मुनाफिकीन मदीना थे, कुछ बनी कैनका और बनू कुरैज़ा के कुछ यहूदी थे, उनके साथ मिलकर कंस्पिरेसी कर रहे थे। यार ट्राई, इनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट पैदा करो, लड़ाओ इन्हें। इधर ये लड़ाने को ट्राई कर रहे हैं, देखे कितने लोग कैच कर रहे हैं। उधर मेरे आका के काने लाले करामत सब सुन रहे हैं। सरकार ने फरमाया अच्छा तुम लड़ाना चाहते हो, ठीक है तुम अपना जोर आजमाओ, खुदा का नबी अपना जोर आजमाओ। तो तबूक जाने की तैयारी थी, मौला अली को मदीना उनके हवाले किया जा चुका था कि हुजूर ने तबूक जाने से पहले एक मजमा इकट्ठा किया, जैसे आज मैं थोड़ा यहां तो थोड़ा है वहां बहुत ज्यादा, और सारे सहाबा को इकट्ठा किया। और ये हदीस बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी है, तिर्मिजी में भी है, इब्ने माजा में भी है, अबू दाऊद में भी है, नसई में भी है, न जाने कितनी हदीस की किताब। खबीस से खबीस आदमी भी इस पोजीशन में नहीं कि इस हदीस का इनकार कर सके। आपने भी सुना होगा अहदे मुआखात, भाईचारे का आपस में एका बनाए रखने के लिए हुजूर ने सबको जमा किया, जिसे हम जलसे मुआखात कहते हैं, भाईचारे सबको इकट्ठा कर। सरकार ने बहुत खूबसूरत एक खुतबा दिया और उसमें कहा देखो निकाल दो सारे किले, आज से किसी के ताल्लुक से न कोई गिला हो, न कोई शिकायत हो, न कोई नीमा नमीमा हो, न किसी किस्म का कीना हो, न बदगुमानी हो। आज से तुम न अरबी हो, न अजमी हो, न हिंदी हो, न रूमी हो, न शामी हो, बस सब मिलकर अल्लाह की रस्सी थाम लो और एक दूसरे को गले लगा कर अपना भाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं थोड़ा इस नील गगन का ऐसा जाजिब मंजर न देखा, हर सहाबी एक दूसरे को गले मिल मिल के अपना भाई बना रहा। अरे उस वक्त जन्नती हूरें चिलमने खुल्द हटा हटा कर रुखसारे बिलाल की बलाएं ले रही होंगी, जब सिद्दीक अकबर ने गले लगा के अपना भाई बना। मुआखात हो रही है, मौला अली वहां नहीं थे, एंड ही वाज क्राइंग, रो रहे। एक सहाबी रसूल ने हजरत अली को रोते हुए देखा, अर्ज किया मालक, लेकिन हिम्मत नहीं हुई तो आए बारगाह रिसालत में, अर्ज किया हजरत अबू ज़र ग़फ़ारी गाली, अर्ज किया सरकार से कि इन्ना अलियन यबकी, ए अल्लाह के रसूल अली रो रहे। रो रहे क्यों? रो रहे यकीन जानो अगर आज का मुरीद होता ना तो सारी वजह बता देता, शायद इसलिए रो रहे हो, शायद उसलिए रो रहे हो, आपने यहां नहीं बुलाया इसलिए रो रहे हो, वगैरह वगैरह मसाला मिर्च बहुत लगाते हैं। सहाबी कितने सच्चे होते, अल्लाह हू अकबर, जितना देखते थे उतना ही।
अपनी तरफ से कुछ नहीं मिक्स करते। कहो हुजूर आप ही बुला के पूछ लें क्यों रो रहे हैं। अच्छा ये बात है, बुलाओ मेरे भाई अली। वो अली अल्लाह अकबर, मुझे देखना है कि कैसा है हैदरी रंग। वो अली जिनकी उंगली की एक हरकत से जुम्बिश अंगुष्ट से बाबे खैबर उछल कर छटक जाए। जब नबी ने अली को बुलाया तो अली खुद लर्जीदा कदमों के साथ कांपते थर थराते हाजिर हुए। सरकार ने फरमाया मालिक या अखी क्या हुआ तुझे, लिमाजा तब की क्यों रो रहे हो। तो अली ने अर्ज किया हुजूर मैं इसलिए रो रहा हूं कि बस ये सोच कर कि आपने मुझे इस लायक नहीं समझा कि मैं इस महफिल में आऊं। मैं ये सोच के रो रहा हूं इतना खूबसूरत अवसर मैंने छोड़ दिया, काश मैं भी आता, किसी को गले ले ले अपना भाई बनाकर। आपने सादत से महरूम कर दिया आका, बस इसीलिए रो रहा हूं। ऐ मैं थोड़ा वालों जरा शाने हैदरी देखो, इतना सुनना था हुजूर मेंबर पे बैठे बैठे खड़े हो गए। फरमाते हैं मैंने सबको गले मिलवाया, एक दूसरे का भाई बनाया, तुझे नहीं बुलाया क्यों, बकाई तो गले नफसी, मैंने तुझे अपने लिए बचाए रखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मन कुंदो मौला, मन कुंदो मौला, मन कुंदो मौला, मन कुंदो मौला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और एक रवायत है अखर तो कले नफसी, ए अली मैंने तुझे बुलाने में देरी की अपने लिए। मैंने सोचा कि जब सब गले मिलके एक दूसरे को भाई बनाए तब मैं तुझे बुलाऊं। नतीजे में देखिएगा, तब मैं तुझे बुलाऊं, गले से लगाऊं, अपना भाई बनाऊं। अली सुन, इन लोगों को तो मैंने इस जमीन के ऊपर, इस नील गगन के नीचे एक दूसरे का भाई बनाया, मगर तू तू तो मेरा ऐसा भाई है अंदा आखी फिर दुनिया वल आखिरा, तू यहां भी मेरा भाई वहां। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, यहां भी मेरा भाई और वहां। और सुन, मैं तबूक तुझे जा रहा हूं, तुझे छोड़ के रो मत। इसी हदीस का हिस्सा है, अंत मिन्नी बे मंजिलत हारून मिन मूसा गैर इन्नहु ला नबी मिन बादी। ऐ अली तू मेरे नजदीक ऐसे ही है जैसे हारून मूसा के नजदीक, बस हारून नबी थे और मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। हजरत मूसा हारून को छोड़ के गए थे 40 दिन के चिल्ले وَوَعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 چالیس رات کے لیے گئے تھے لیکن 40 رات میں شیطان کا ایسا بہکاوا ہوا کہ پوری امت بچھڑے کی پجارن بن گئی اللہ اپنے نبی سے 40 دن کئی دن دور رہی زور سے بولو کیول 40 دن جب ہارون کے حوالے امت کی موسیٰ نے تو 40 دن میں امت بھٹک گئی مگر ذرا شان حیدری دے دو کہ جب نبی نے اپنی امت علی کے حوالے کی تو آج 1500 سال ہو گئے ہیں کہیں علی کا جلوہ تو کہیں نئے علی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت من کنتو مولا من کنتو مولا فیضان اہل بیت فیضان اہل بیت حضرت تاج العلماء نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آخری بس سمے بہت ہو گیا حضرت امام جعفر صادق کا تو نام سنا ہے رضی اللہ عنہ ایسے امام کہ ابا بھی امام دادا بھی امام پر دادا بھی امام ایسے امام کی بیٹا بھی امام پوتا بھی امام پر پوتا بھی امام ایک دن اسے کسی مرید نے پوچھا حضور یہ اللہ کی رسی کون
मन हो। वो सहाबा तो किस्मत वाले थे जिन्होंने दामने मुस्तफा थाम लिया। हम क्या करें इधर मेरी तरफ, व्हाट वी शुड डू, हमें क्या करना चाहिए, कौन? तो जैसे आज ऐसे ही जुमेरात का दिन हजरत इमाम जाफर सादिक ने कहा, सवाल बड़ा अच्छा है, कल जुमा में नाना जान के मेंबर से मैं इसका जवाब, और खुतबे के लिए इमाम जाफर सादिक खड़े हुए, पहले अपने रब की हम्द बयान की, फिर नबी के फजाइल बयान किए, फिर कुछ कुछ मसाइल बयान किए, फिर बयान करते करते फरमाया साल साइल عن حبل الله فأقول لكم يا معشر المسلمين والذي نفس جعفر بيده نحن حبل الله حبل ممدود من الأرض إلى السماء حتى يرد عند حوض الكوثر. امام جعفر فرماتے ہیں ایک پوچھنے والے نے پوچھا کہ اللہ کی رسی کون ہے, عزت رب کعبہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں جعفر کی جان ہے, اے مدینے والوں اللہ کی رسی کوئی اور نہیں, ہم لوگ اللہ کی رسی ہیں. سبحان اللہ, جو زمین سے آسمان تک تنی ہوئی ہے, دیکھنا ہے تو قیامت کے میدان میں آنا, حوض کوثر پہ حوض ہوگا اور رسی یعنی ہم لوگ ہوں گے. گویا امام کا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ مولا علی کا دامن تھامے رہو اللہ کی رسی ہے, امام حسن کا دامن تھامے رہو اللہ کی رسی ہے, امام حسین کا دامن تھامے رہو اللہ کی رسی ہے, تمام ائمہ طاہرین کا دامن تھامے رہو اللہ کی رسی ہے, قادریوں غوث اعظم کا دامن تھامے رہو اللہ کی رسی ہے, بھارت کے غریب چشتیوں خواجہ معین الدین کا دامن تھامے رہو اللہ کی رسی ہے. ارے کوئی 10 دن تھام لے تو کام چل جائے, 20 دن تھامے تو کام چل جائے. کسی نے دعا کی, اے اللہ ساری زندگی تھاموں, کسی نے کہا قبر میں بھی نہ چھوٹے, کسی نے کہا حشر میں بھی نہ چھوٹے, مگر عاشق صادق نے بریلی کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر جب اپنا عشق نامہ پیش کیا تو 10 سال کی بات نہیں, 20 سال کی بات نہیں, 100 سال کی بات نہیں, بلکہ جب دامن تھاما تو یہ کہتے ہوئے کہ دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول محمد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, فیضان مخدوم سمجھا, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. آج کے اس پرفتن ماحول میں نبی کے گھر والوں سے وابستہ ہو جاؤ, یہ وابستگی تجھے تیرے سینے سے کینہ نکال کے سینے میں مدینہ بسا. مولا کریم ہم سب کو سچا پکا سنی صحیح العقیدہ مسلمان بنائے رکھے. میں نہ خود پہ اور نہ آپ پہ زیادہ زیادتی کروں گا, سمے اچھا ہوتا بولنے کے لیے انکول ہوتا تو تھوڑا اور بھی بولتا. مولا پاک اپنی حفظ و امان میں سب کو رکھے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.